नमस्कार, सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। तो इस वक्त की बिहार इंदिरावास यानी की जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लेकर सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। विधान परिषद से ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण और विभाग 2022-23 का बजट जो यहां पर पारित किया, ये वर्ष 2022-23 के लिए भी यहाँ पर आवास योजना को लेकर यहाँ पर जारी कर दिया गया है, जो आप लोग इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो डिटेल में विस्तार से मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अब जैसे मैं आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, विधान परिषद से ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण और पर्यावरण विभाग का 2022-23 का बजट पारित। आवास योजना में बिहार को सबसे अधिक कोटा मिला है। ग्रामीण विकास मंत्री ने बुधवार को विधान परिषद में दावा किया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार को देश में सर्वाधिक कोटा मिला है। बिहार को जो है पीएम आवास योजना को लेकर सर्वाधिक कोटा जो यहाँ पर मिला है। विपक्ष की ओर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार का यही लाभ है। बिहार को मिला उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों से भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 11.49 लाख यानी कि 11,49,000 जो यहां पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जो है मिला है, और इसके लिए 13,800 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार देगी। यहाँ ग्रामीण विकास के मंत्री परिषद में ग्रामीण विकास विभाग वर्ष 2022-23 के बजट पर सामान्य वाद विवाद के बाद सरकार का जो है उत्तर देते हुए यह जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग की उपलब्धियां गिनाते हुए मंत्री सरवन कुमार ने बताया कि सरकार 31 मार्च 2010 से पहले बने आवासों की मरम्मत के लिए भी 50,000 रुपये दे रही है, यानी कि जिनका जो 1 अप्रैल 2010 से पहले जिनका आवास योजना का लाभ मिल गया है उनको जो यहां पर मरम्मत करने के लिए 50,000 रुपये जो फिर से दे रही है सरकार। जिसका जैसे मैं आप लोगों को पता है कि पहले जो यहां पर 20,000, 25,000, 35,000 इस प्रकार से आवास योजना का राशि जो है दिए जाते हैं, जिनका 31 मार्च 2010 से पहले जिनका आवास का पैसा मिला है उनको फिर से यहाँ पर 50,000 रुपये जो है मरम्मती के लिए जो है दिए जा रहे हैं। वही इसके अलावा 1 जनवरी 1996 से पहले आवास योजना का लाभ लेने वाले को 1,20,000 रुपये जो यहाँ पर सरकार उपलब्ध करा रही है, यानी कि जिनका यानी कि कहने का मतलब यह है 1 जनवरी 1996 से पहले जो भी जिसका आवास योजना का लाभ मिला है उनको यहाँ पर फिर से दोबारा दी जा रही है, यानी कि 1,20,000 रुपये बिहार सरकार उपलब्ध करा रही है। उन्होंने दोनों योजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ऐसा करने वाला बिहार देश का इकलौता राज्य है। आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि नए लाभार्थियों के लिए जिनका अभी तक आवास योजना के लिस्ट में नाम नहीं ऐड है, अब जो नए लाभार्थी बच गए हैं जिनका जो वर्ष 2022-23 के लिस्ट में नाम को ऐड किया जाएगा, जिसके लिए जो यहाँ पर 11,49,000 जो यहाँ पर बिहार को आवास के लिए जो यहाँ पर कोटा दिया गया है, और सेकेंड जो यहाँ पर 1 अप्रैल 2010 से पहले जिनका आवास मिल गया उनको फिर से दोबारा यहाँ पर 50,000 रुपये जो है मरम्मती के लिए दिए जाएंगे, और तीसरा यह अपडेट है कि यहाँ पर 1 जनवरी 1996 से पहले जिनका आवास मिल गया है उनको फिर से जो यहाँ पर 1,20,000 रुपये जो है बिहार सरकार द्वारा जो है यहाँ पर दी जा रही है और यहाँ पर उपलब्ध करा रही है। तो यही